इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। मैं कैसे इसको छुपाऊं, कैसे इस पे मैं लॉक लगाऊं, कैसे मैं मेरे बिना परमिशन के बिगर ही कोई ना खोल पाए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला, अगर आप भी ऐसे ही परेशानी आपको भी होती है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप इसको अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई से, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर से छुपाना चाहते हैं, मतलब उसमें बिना आपकी परमिशन के बगैर आप कोई ना वो आपकी वीडियो को देख पाए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्सेल एंड नॉलेज। आज हम नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। कोई ना खोल पाए वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे मेरी दो वीडियो पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इन्हीं वीडियो पे लॉक लगा के बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वीडियो पे भी लॉक लगा के हम किसी और बिना हमारी परमिशन के बगैर वो ना खोल पाए। तो ये जैसे आप दो वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों पर मैं आपको लॉक लगा के दिखाता हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास जिप फाइल आपके डेस्कटॉप पे नहीं है, सॉरी आपके लैपटॉप में नहीं है, तो सबसे पहले उसको आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसी के जरिए मैं आपको लॉक लगाना सिखाऊंगा कि हम कैसे अपनी वीडियो पे लॉक लगाते हैं। अगर आपके वो पास नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। और आप स्टार्टिंग में ही आप लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी बेनिफिट्स आपको इसके मिलते रहे, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो बनाऊं आपका मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने मतलब अपने डेस्कटॉप पे मैंने सबसे पहले अपना वो जो जिप है हमारा, वो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दोबारा इंस्टॉल करने की। तो मैं इस पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऐसी बुक्स सी बनी हुई आ जाएंगी, जब आपके डेस्कटॉप सॉरी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड पे जाना, जहाँ लिखा है कंप्रेस एंड ईमेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे सेट पासवर्ड, इस सेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा है एंटर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन के लिए होता है सेकेंड वाला। मैं यहाँ पर कोई भी एक डमी पासवर्ड डाल देता हूं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 1234, यहाँ पर भी डाल दिया 1234। अब मैं अगर जैसे अगर अरे मैं भूल गया कि मैंने पासवर्ड क्या डालना है, मैंने सही डाला क्या डालना है, मतलब होता है कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने डाला क्या, मतलब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 डाला, कुछ और डल गया, तो आप यहाँ शो करके भी देख सकते हैं कि आपने सही डाला, जो आप चाहते हैं वही डाला कि कुछ और चेंजेस हो गया है। मतलब चेंजेस करने का मतलब होता है ना, आप कुछ डाल रहे हैं, कुछ और कोई नंबर दब गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने क्या डाला, तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे आप ओके, ठीक है, उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे ओके। तो ये क्या आपकी जिप फाइल एक एडिशनल बन के आ जाएगी आपके डेस्कटॉप पे। तो ये मेरे ईमेल से कनेक्ट हो गए, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरे को ईमेल्स पे नहीं भेजनी इसको। तो यहाँ पर मेरी एक जिप फाइल आप देख रहे हो बन गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो इसके अंदर मेरी ये वीडियो आ गई है, ठीक है। मैं इसको अगर ओपन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगी। तो यही एक पासवर्ड है जिससे आप अपनी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आप उसको सिक्योर कर सकते हैं विदाउट आपकी परमिशन के बगैर वो कोई भी खोल। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह मैं कुछ भी इसमें पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, आप देखेंगे या खोलने की कोशिश करेगा बट यहाँ पर एरर आ जाएगी, इसकी वजह से वो नहीं ओपन होगा। अब मैं इसमें अगर करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 और इसे मैं कर देता हूँ ओके, तो आप ये देखेंगे जो स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मेरी भी यहाँ पर वीडियो प्ले हो गई। मैं इसको थोड़ा इसका मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ वरना वॉल्यूम दोनों मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने पासवर्ड लगाया। अब सेकंड आप देख रहे होंगे एक दूसरी वीडियो भी है। अब मैं इसको क्या दोबारा से इस पे दोबारा पासवर्ड लगाऊं, नहीं, मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे इसको पकड़ अपने मतलब माउस को मैं इसको इसको क्लिक कर लूंगा और इसको पकड़ के इसमें डाल दूंगा इस वाले फोल्डर में। तो यहाँ दोबारा से इसमें पासवर्ड मांग लेगा, आप इसमें डिफरेंट जरूरी नहीं सेम पासवर्ड रख सकते, आप दूसरा कोई पासवर्ड रख सकते हैं। अब मैं इसमें रखना चाहता हूँ 1001001। आप देख रहे होंगे फर्स्ट ये वीडियो का आप देख लें, ये क्या है इसका नेम क्या है, वीडियो 1, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके, अब इसकी भी जिप फाइल हमारी कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यार दूसरी बन गई। अब मैं अगर इसमें 1 2 3 4 डालूंगा जो मैंने यहाँ पर इस वाली वीडियो का रखा था, तो देखते हैं ये वाली हमारी वही वीडियो की फर्स्ट सेकंड वाली है। तो ये वाली ओपन हो गई क्योंकि हमने ये वाली फर्स्ट वाली हमने यहाँ से उठाई थी, ये वाली सॉरी ये वाली हमारी 1 1 वाली थी, हमने सबसे इसमें 1 2 3 4 लगाया था, हमको लगानी फर्स्ट वाले पे हमारा 1 2 3 4 से हमारा ओपन होगा कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ एरर आ गया क्योंकि हमने वहाँ 100 पासवर्ड डाला था। अब मैं 100 डालता हूँ जैसे मैं यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों हमारी वीडियो जो है प्ले हो चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आज आपकी नॉलेज में एक एडिशनल चीज जुड़ी, आपने एडिशनल कुछ सीखा इस चैनल के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी आपके लिए जो टेक्निकल्स हैं जो नॉलेज के लिए हैं वो आपके लिए मैं ऐसे लेके आता रहूँ। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल पे जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और लाइक कर दें ताकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने आज की जो वीडियो बनाई है आपको अच्छी अच्छी लगी, उसे समझ में आया। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट्स करके आप बता भी सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपको कुछ और नॉलेज की चीज़ जाननी तो मैं उसके लिए भी आपके लिए जरूर सोल्यूशन निकालूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।